मतलब शांत रहा और प्यार करा, अपने आप सब कंट्रोल, अपने आप सब ठीक हो जाए। ये नहीं हम कह रहे कि बाबा जी बन जाओ, सबके लिए थोड़ी सिद्धांत हो, तो बड़े कोई बिरले माई के पुत्र होते हैं जिनके अंदर ये शक्ति प्राप्त होती है कि संसार का त्याग करके भगवान के लिए भेष रंगा लेना, कोई साधारण बात थोड़ी, ये कोई साधारण थोड़ी, कि प्रभु के लिए हम हो गए, तुम प्रभु देख रहे हैं मोहर लग गए, मेरे लिए तुम्हें रागी बना है। अपने जो भी सत्संगी जन है अपने लोगों को एक दूसरे का संबोधन करना चाहिए, एक दूसरे को संबोधन करके उनको भगवत मार्ग में बढ़ना चाहिए। अगर लगे कि कोई साथी गिर रहा है तो हम हाथ पकड़े, हाँ आगे बढ़ो आगे बढ़ो, पीछे कहाँ जा रहे हो, ये अपना मार्ग, ये थोड़ी देखने को नाराज हो जाए। अगर वो अपने आप नाराज हो जाता है समझ लो जैसी हरी इच्छा, कोई बात नहीं, लेकिन अपना प्रयास रहना चाहिए उस जीव को। श्राप तक सह लिया नारद जी ने, दक्ष के पुत्रों को भगवत में पढ़ाया कि नहीं पढ़ा, हरियास और सबलास नाम के 10,000 और 1,000 ऐसे पर उनको भगवत उपदेश कर दिया। दक्ष ने श्राप दे दिया कि हमारे लड़कों को बाबा जी बना दिया, भगवत भक्त बना दिया, श्राप दे दिया नारद जी को कि 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकोगे उनका, 2 घड़ी में तो बहुत काम कर लेंगे। ये बैठता है इसीलिए उपदेश करके सबको भगवत मार्ग में लगा देता है, उनका 2 घड़ी से ज्यादा तुम कहीं टिक नहीं सकते। नारद जी ने कहा बड़ी कृपा, 2 घड़ी में तुम न जाने कितना भक्ति का रास्ता खड़ा कर देंगे। एक शब्द में ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। नारद जी सच्चे गुरु हैं, प्रहलाद जी शिष्य उनके, पार्वती जी शिष्य उनके, ध्रुव जी उनके, जितने भी नारद जी के शिष्य हुए तो साक्षात ठाकुर जी से मिला दिया, ठाकुर जी को अधीन करवा दिया। तो नारद कौन है? भगवान जिसकी बात रद्द ना हो, जिसकी बात रद्द ना हो, वही तो नारद है। नारद जिसकी बात कभी रद्द ना हो, अर्थात भगवान ही नारद जी है, जिसने अपने गुरु को साक्षात परमात्मा समझ लिया, उसकी भगवत प्राप्ति में देरी थोड़ी रहती है। महाराज जी ने कहा है बस ठीक है, जो आदेश की अक्षरशा हम गर्दन कटा सकते हैं लेकिन गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते, सब कुछ नष्ट हो जाए, होएगा नहीं कुछ नष्ट, कैसे हो सकता है? जहाँ ऐसी निष्ठा हो जाए कि जब सब कुछ नष्ट हो जाए तो कुछ हो ही नहीं सकता, वो तो दृश्य केवल दिखाया जाता है कि अब आप कहाँ हो, स्थिति बना दे। अपना जीवन भगवत मार्ग में जो आ गया है तो पीछे मत लौटो, आगे बढ़ो। वही बात आपको समझाते हैं, समय क्यों नष्ट कर रहे हैं? जितना आप लगते जाओगे ऐसी परिस्थितियां पैदा करती जाए, अब जैसे आप सोचो कि 1-2 साल बाद ऐसी परिस्थिति पैदा करती जाएगी माया कि बिना धन के काम चलने वाला नहीं, और ये अब ऐसे बात बनेंगे नहीं, और ये मास्टरी छोड़ दो, हम अपना व्यापार छोड़ दे, कैसे काम चले, सब नष्ट भ्रष्ट हो जाए। अरे नहीं बाबा, भजन करते रहो, लगे रहो इसी में, माया चांस ही नहीं लेने देगी। जब आप उड़ान भरोगे भगवत मार्ग की तो ऐसे अंधे और बहरे बनना पड़ेगा, ना कुछ देखना ना कुछ सुनना, सीधे चलना मार्ग। जो जिस योग होता है उसको ऐसा उपदेश किया जाता है। अब ये उपदेश बच्चों को थोड़ी देना, ये उपदेश इनको थोड़ी देना जो कल शरणागत होना है। अब आप लोगों को कितना समय हो गया, तो वहीं थोड़ी खड़े रहो, आगे बढ़ो, जो जहाँ पहुँच रहा है उसको वहाँ रोका थोड़ी जाता, आगे बढ़ो, तुम आगे बढ़ो।